हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा अपना जितेंद्र कुमार चुंबर अज थोड़े लिए फिर एक नवी सवेर एक नवा चैप्टर सीखण सिखाउण दीआं गल्लां तुहाडे लिए लै के फिर हाजिर होया। उम्मीद करता हाँ कि तुसीं इस नूं पसंद करोगे अते इस नूं समझण दी भी कोशिश करोगे। सो प्यारे बच्चो, मैं अज थोड़े लिए लैके आया हाँ जमात अठवीं समाजिक विज्ञान पाठ नंबर 7 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्यारे बच्चों, जब तक सानू टाइटल बारे पूरी जानकारी नहीं उन्ने चिर सानू पता नहीं लगता कुछ। टाइटल है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की है जी कि जो अंग्रेज या डच या पुर्तगाली या फ्रांसीसी जो भी आए आ ईस्ट के एरिए आए हैं, यानी कि पूर्वी भारत राही आए, कलकत्ते आके सारे जड़े उत्थे हाजिर हुए हैं। क्योंकि कलकत्ता एक बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल की जी खाड़ी है जो समुद्र लगता है, समुद्र के राही जड़े आए हैं वो है ईस्ट में कलकत्ता। उत्थे आके उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिस दे विच चार कंपनियां जड़ियां आईयां, पुर्तगाली आए है, डच आए है, अंग्रेज आए है, फ्रांसीसी आए। सो उन्होंने आके भारत में व्यापार करना शुरू किया। सो आओ अज थोड़े जे क्वेश्चन जड़े तुहाडे नाल सांझे करदे हां। उम्मीद करदा हां कि तुहानू बहुत ही समझ आउणगे। सो मैं तुहानू पूरी समझाउण दी कोशिश करदा। सो पहला क्वेश्चन है, भारत दे यूरपी देशां नाल संबंध कदों तों सी, रिलेशन जोड़े से कदों तो सके भारत के यूरोप के नाम। भारत के संबंध जोड़े से प्राचीन काल तो ही यूरोपी देशों के नाल संबंध रहे। उन्होंने कोई यह नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने वेले संबंध स्थापन हो गया। उस तो पहला भी जोड़े राजे महाराजे पहला राज करते उन्होंने भी संबंध इन्ह अंग्रेजों के नाल सन। वाहे जवाब के होर देशों भी संबंध से व्यापार करते, लैन देन करते। पहला तो प्राचीन माने पहला जरा पहला काल जरा उदो तो। अगला है, भारत में पहुंचने वाला पुर्तगाली पहला कौन सी? पुर्तगाल देश है, उस पुर्तगाल देश के उत्तो एक उन्होंने कप्तान जरा वास्को डे गामा। तो सब तो पहला 27 मई 1498 ईस्वी को जरा के कालीकट विखे पहुंचा केरला विखे, क्योंकि वह भी एक बंदरगाह है, समुद्र कंडे है। क्योंकि पहला शिप ही होंगे सी, एरोप्लेन नहीं होंगे, तो समुद्री जहाजा राही आवाजाई होंगी सी। सो समुद्री जहाज राही अपना बेड़ा लैके भारत विखे पहुंचा वास्को डे गामा। भारत नाल व्यापार करने वाली चार यूरोपी शक्तियां के नाम दसो। यूरोपियन देश घट्टो घट्ट नहीं तो 15-16 देशों का वो एक संघ है जिदे विच यूरोपीय देश आउंदे आ। सो जिन्हां विच पुर्तगाल सी, डच सी, फ्रांस सी, अंग्रेज सी, हॉलैंड सी, पोलैंड सी, होर नॉर्वे सी, होर कई प्रकार के जिहड़े देश आ उह इस जिहड़े हैगे आ आए हैगे आ। उन्हां चों चार जिहड़े देश हैगे आ उन्होंने भारत विच आके भारतीयां दे नाल आके अपने संबंध जड़े आ वह कायम किए हैं। कौन कौन आए इसलिए जी? पुर्तगाल वाला है जो वास्को डी गामा आया, उस तो बाद डच आए आ, अंग्रेज आए आ, फ्रांसीसी आए। ये चारे देशों तो लोग जड़े है आके भारत के नाल व्यापार जड़े आ संबंध उन्होंने बनाए तो आके अपने उत्थे उन्होंने आके इतने रहना शुरू किया। सो हौली हौली वह आके अपने पैर जड़े आ भारत में जमाते रहे, क्योंकि उन्होंने पता सी कि असी भारत पर कब्जा करना है। सो उन्होंने लोगों के बड़े दिमाग से, बड़ी लंबी सोच सी उन्होंने। सो उन्होंने आके भारत नाल पहला संबंध बनाए, हौली हौली व्यापार शुरू किया, हौली हौली एक दूजे नाल लैन देन किया, तो हौली हौली उन्होंने इजाजत लैके आप अपनिया बस्तियां भी जड़ियां वह कायम कर लिया। सो जी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहते स्थापना कदों हुई?
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जी कदों हुई? इंग्लैंड के व्यापारी जेडे मर्चेंट एंड वेंचरस नामी ग्रुप सीगा उन्होंने भारत में आके 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वह जो एक व्यापारियों का ग्रुप आया इंग्लैंड तो मर्चेंट एंड वेंचरस, वह जो ग्रुप आया उन्होंने आके भारत की धरती पर पैर रखिया। पैर रखने तो बाद उन्होंने उत्थे दे राजे दे नाल गलबात की, कुछ उन्होंने अपनिया देश वालों जो व्यापार की सहूलत मिलती उन्होंने बारे दसिया, तो जो भारत उन्होंने सहूलत दे सकता सी उहदे बारे जानकारी ली। सो उन्होंने हौली हौली इजाजत लैके उत्थे दे राजे कोलों जो भारत में उस वेले राज कर रहा सी उस एरिए विच उहदे कोलों इजाजत लैके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिहड़ी आ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ कि असी तुहाडे नाल व्यापार करना है, सो सानू अधिकार दिता जाए कि असी अपना कोई वखरा स्थान बना सकीए, सो जिथों बह के असी अपना काम कर सकीए। सो उन्होंने विलियम नाम का एक जिहड़ा किला वह बनाया, जिहड़ा कि विलियम उन्हां दा ही कोई उच्च अधिकारी सी। विलियम फोर्ट उन्होंने 1690 ईस्वी दे विच कलकत्ते विखे बनाया। सो उन्होंने हौली हौली किस तरह साढ़े भारतीय राजा विश्वास में लिया, किस तरह लोगों विश्वास में लिया, तो किस तरह उन्होंने काम करना शुरू किया, तो किस तरह हौली हौली उन्होंने पैर पहला पैर रखिया, फिर हौली हौली उन्होंने कमरा पाया, हौली हौली उन्होंने किले पाए, तो हौली हौली साढ़े देश से उन्होंने राज करना शुरू किया। सो वो भारत जो आ गए, सो उन्होंने फिर व्यापार भी करना सीगा। सो व्यापार करन दे लई उह भारत जिहड़े भारत तो जिहड़े अंग्रेज़ सी उह की मंगवाउंदे सी, क्योंकि पैर जमाउणे सी कुछ लैण देण करदे तां ही इत्थे रहण दा हक प्राप्त करना सी। सो उन्हां ने हक प्राप्त कीता कि भारत नूं मनाया कि सानूं कुछ चीज़ां दी लोड़ है, साडे देश नूं भेजो, सानूं दिओ, असीं तुहानूं उहदे बदले आप भी कुछ ना कुछ समान जरा प्रोवाइड करावे। सो उन्होंने भारत तो सूती कपड़ा, क्योंकि सूती कपड़ा जोड़ा सी वो असं हाथी बुनते होंगे सी, चरख्या ना कतरे होंगे सी, रेशमी कपड़ा वो भी हाथ ने कतना चरख्या ने कतना, सो वधिया किस्म का होंगे सी। गर्म मसाले नील अते अफीम जी अंग्रेजा ने साढ़े को मंगवानी शुरू कर ली। सो प्यारे बच्चो, ये जरा लैसन सीगा अज आप पढ़ रहे सके, सो तुसी बड़े ध्यान नाल सुनिया है, देखिया है, समझिया है। सो तुसी इसनू समझना है, याद करना है, याद करके अपने अध्यापकों को भी सुनाना है, क्योंकि असी पढ़ांगे, जे पढ़ांगे सुनांगे तां ही सानू पता लगेगा। सो प्यारे बच्चो, ये सी अज दा तुहाडा पाठ 7 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिस बारे मैं तुहानू विस्तार नाल समझाउण की कोशिश की है। उम्मीद करता है कि तुसी इस नूं समझोगे तो पढ़ोगे। सो सारे ही अध्यापकों को भी बेनती है कि वो ये जिहड़ी वीडियो मैं बनाई है इस नूं बच्चों के ग्रुपों में शेयर करन, क्योंकि असीं वीडियो ग्रुपों में पाने हैं, जिस तरह पाने उस तरह ही अध्यापक देख के उसे छड़ देंगे। सो मेरी सब नूं रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो देखना है, सो आप भी देखना है, तो बच्चों के ग्रुपों में पाउणी है ताकि बच्चों को वध तो वध लाभ मिल सके, क्योंकि इस विच पूरी तरह मैं समझाया है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई, किस तरह आके उन्होंने काम किया। सो प्यारे बच्चो, बहुत जरूरी गल्लां भी ने, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैल गया है, सो आप अपने घरों में रहना है, अपने घरों में रह के ही पढ़ाई करनी है,
अपने हाथों सैनिटाइज करना है तो सोशल जी डिस्टेंस है वह भी जरूर बना के रखनी है। सो दूसरा है वेलकम लाइफ है, आप अपने माता पिता का सत्कार करना है, अपने सियाने बंद का सत्कार करना है, अपने दादी बाबे का सत्कार करना है। सो प्यारे बच्चो आप सीखना है, सीखने आए हैं, सारी उम्र इंसान सीखता है। सो एंड दे विच जो मैं तुम्हें समझाया इस जरूर समझना। सो मेरे नाल मेरा कैमरामैन मिस जैमनी चुंबर जो कैमरे भूमिका निभा रही है। सो प्यारे बच्चो जरूर इस फॉलो करना है, सो जरूर सीखना है। अंत में इन्ना कहना खिमा जाचक हाँ, जय गुरदेव, धन गुरदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।